आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल प्रोसेसेस इन स्पोर्ट्स और हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इमोशनल प्रोसेसेस का इमोशन का मतलब क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इमोशन का मतलब हम लोग जो हिंदी में समझते हैं कि इमोशन का मतलब भावनाएं, फीलिंग्स महसूस करते हैं, उनको हम शब्दों में इसको हम इमोशंस कहते हैं। जो हम भावनाएं महसूस करते हैं, द फीलिंग्स वी हैव, दैट इज कॉल्ड इमोशन इन नॉर्मल वर्ड्स। ठीक है, स्पोर्ट्स रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट एरेना वेयर इमोशंस कंस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, सो क्या है, इन अनदर वे स्पोर्ट इज एन इमोशनल एक्सपीरियंस। तो जब भी हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि मिनट मिनट पे, हर एक मिनट पे हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं। जब हम गेम में एंटर, गेम इवन मतलब गेम में एंटर करने के पहले भी हमारे अंदर कुछ और इमोशन होता है। कभी हमें अभी हम लोग काफी सारे मतलब देख रहे हैं कि लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं हमारे एथलीट, और मैं ये देख सकता हूँ कि मतलब एवरी आफ्टर एन आवर जैसे कोई एथलीट आता है उनसे कहता है कि सर बड़ा परेशान महसूस हो रहा है, और फिर वो मतलब थोड़ी देर आराम कर रहा है तो सर अब ठीक महसूस हो रहा है। सो द इमोशंस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, इवन मतलब अभी एक महीना बाकी ओलंपिक्स को, एंड द इमोशंस आर चेंजिंग कंटिन्यूअसली। उसके साथ ही जब हम किसी गेम में जाते हैं तो शुरुआत करते समय हमारे जो इमोशंस होते हैं कि हम जब कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जीत जाएंगे, या जब हमको लगता है कि ये मैच टाइट होने वाला है तो दूसरे इमोशंस होते हैं। गेम स्टार्ट करते हैं, अपोनेंट किस तरीके से खेल रहा है उसके बेसिस पर हमारे इमोशंस अलग होते हैं। गेम थोड़ा प्रोग्रेस करता है, स्कोरिंग होती है, हम हार रहे होते हैं या हम जीत रहे होते हैं, हमारे इमोशंस अलग होते हैं। कभी हम थोड़ा सा अगर लगता है कि हम फाइट कर रहे हैं तो इमोशंस अलग होते हैं। मतलब ये कंटिन्यूअसली बदल रहा होता है। इवन जब हम मैच जीत जाते हैं तो हमारे अलग तरह के इमोशंस आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मतलब अगर वो लिया जाए कि स्पोर्ट्स इज ऑल टुगेदर एन इमोशनल एक्सपीरियंस। पूरे गेम के दौरान जो है एक चीज जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहती है वो रहती है इमोशंस। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि हैप्पीनेस एंड जॉय आफ्टर विक्ट्री, डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिफीट। तो ये एक एग्जांपल है कि जैसे हम गेम के बाद हम जीत जाते हैं या हार जाते हैं तो इमोशंस होते हैं, गेम के पहले तरह तरह के इमोशंस होते हैं, गेम के बीच में तरह तरह के इमोशंस होते हैं। तो गेम्स आर ऑल टुगेदर एन इमोशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इमोशंस क्या होते हैं, डिफाइनिंग इमोशंस, व्हाट इज इमोशन। इमोशन इज अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इवेंट That is either actual or imagined। ठीक है, इस ये जो डिफिनेशन है इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं तो उनको हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे कि इमोशन इज अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इवेंट दैट इज आइदर एक्चुअल आर इमेजिन। तो हमारा इमोशन क्या है, किसी स्टिमुलस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है, किसी स्टिमुलस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है जो कि वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकती है। वास्तविक कब, जब मैंने आपको कहा था कि आपको पता है कि आपके आपके दोस्त से लड़ाई हुई है। ठीक है, आपके आपके दोस्त से सच में लड़ाई हुई है और जब आप उसके सामने जाते हैं तो गुस्सा आता है या कुछ ऐसे इमोशन आते हैं। तो वहां पर क्या है कि एक एक्चुअल इवेंट हुआ है, आपके आपके दोस्त से लड़ाई हुई है और वहां पर जो आपका रिएक्शन आ रहा है वह एक्चुअल इवेंट के लिए, वास्तविक घटना के प्रति आपका रिएक्शन है। लेकिन यह काल्पनिक भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी आपके दोस्त से आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, रात को खाने पर या किसी बात के ऊपर आप लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव मतलब हुआ नहीं, कुछ मतलब कुछ आप लोगों में डायरेक्टली हुआ नहीं लेकिन आप दोनों ने महसूस किया। ठीक है, आपने महसूस किया कि हो सकता है दोस्त को बुरा लगा होगा या कुछ होगा। ठीक है, अब आप जो है अगले दिन सुबह जब आप फिर अपने दोस्त से मिलते हैं तो आप उससे जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं वह डिपेंड करता है, आप उससे जिस तरीके से बात करते हैं वह डिपेंड करता है कि आपने क्या समझा है कि आपका दोस्त, आपके दोस्त को बुरा लग गया। अब आपकी दोस्ती कितनी गहरी है उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन कैसा हो। अगर आपकी दोस्ती बहुत गहरी नहीं है तो आप सोचेंगे छोड़ो मुझे क्या इसको परेशान होने दो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी दोस्ती बहुत गहरी है तो बिना कोई बात हुए भी आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिएक्शन है स्टिमुलस इवेंट के लिए वह पूरी तरह से काल्पनिक है, आप लोगों में डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ है लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप उसकी कल्पना करके और रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका इमोशन जो है वह काल्पनिक है। ठीक है, सो इट कैन बी आइदर एक्चुअल आर इमेजिन। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द विसेरा एंड मस्कुलेचर ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो वेन जब हम लोग इमोशनल होते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग इमोशनल होते हैं तो हमारे जो इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस हैं उनमें चेंजेज आते हैं, हमारी हार्ट बीट में चेंजेज आते हैं,
हमारे मसल टेंशन में चेंजेज आते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं, इवन हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं उसके अंदर चेंजेज आते हैं. तो इट इन्वॉल्व चेंजेस इन द विसरा एंड मस्कुलेचर ऑफ द पर्सन. इट एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली इन कैरेक्टरिस्टिक वे. ठीक है, तो इट एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली इन कैरेक्टरिस्टिक वे. सब्जेक्टिवली मतलब, सब्जेक्टिव मतलब कि जिस चीज को हर आदमी अपने अपने तरीके से समझे, जिस चीज को हर एक आदमी अपने अपने तरीके से समझे. जैसे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जाए कि कोच की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कोच के लिए नैतिकता का क्या मतलब होना चाहिए, जैसे कह सकते हैं नैतिकता. तो व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ अ कोच. तो यहाँ पर क्या होगा कि आप सब लोग जो हैं वह अलग अलग चीजें बताएंगे. किसी के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए जो है बाकी सारी चीजें की मतलब ग्रुप में रहना इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए प्लेयर्स का इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है. तो वैल्यूज जो है, आपकी नैतिकता जो है एज अ कोच, वह हर एक आदमी का जो है उसके बारे में अलग अलग ख्याल हो. तो वैसे ही एक इमोशन इज एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली इन कैरेक्टरिस्टिक वेज. यहाँ पर हर एक आदमी जो है वह इमोशन को अलग अलग तरीके से महसूस करता है. अगर कोई हंसी वाली बात होती है तो कुछ लोग बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा हंसते हैं और कुछ मुस्कुराते हैं और कुछ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इज एक्सपीरियंस सब्जेक्टिवली इन कैरेक्टरिस्टिक वेज. हर एक आदमी जो है वह इमोशन को अपने अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है. It expressed through such means as facial changes and accent tendency. तो जो इमोशन है वह आपके अंदर इमोशन होता है वह आपके चेहरे और हाव भाव से, आपके चेहरे और हाव भाव से, facial changes and accent tendency, आपके चेहरे में जो चेहरे में जो changes आते हैं, आपके चेहरे में जो changes आते हैं और आपके हाव भाव में जो परिवर्तन आते हैं उसके थ्रू जो है आप अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. आपका इमोशन जो है वह देखा जा सकता है बहुत आराम से. ठीक है, तो इसका मतलब एक हम ये क्या कह सकते हैं, इसका उपयोग क्या कह सकते हैं कि आप भी जब आप किसी गेम को खेल रहे हैं तो आपको पता है कि इमोशनल एक्सपीरियंस, एवरी गेम इज एन इमोशनल एक्सपीरियंस. तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको यह पता है कि इमोशन जो है वह चेहरे और हाव भाव से पता लगाया जा सकता है. तो आप अपने अपोनेंट खिलाड़ी के चेहरे और हाव भाव पर ध्यान रख सकते हैं जिससे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या इमोशन चल रहा है. अगर वो कॉन्फिडेंट है तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं. अगर वो आपको डरा हुआ लग रहा है तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी डरा हुआ है तो आप एक अटैक प्लान कर सकते हैं. अगर कॉन्फिडेंट है तो आप ये गेम की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि थोड़ा सा डिफेंसिव होने की जरूरत है बिकॉज द अदर प्लेयर सीम्स टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. तो ये जो है यह उसका एक एप्लीकेशन है. ठीक है, एंड मे मीडिएट एंड एनर्जाइज सब्सिक्वेंट बिहेवियर. और इमोशन जो होता है वह क्या करता है कि जो इमोशन फील करने के बाद हमारा जो बिहेवियर होता है वह इमोशन पर डिपेंड करता है. तो अगर हम एग्रेशन का इमोशन फील कर रहे हैं, अगर हम आक्रामकता का इमोशन फील कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो कि उस आक्रामकता को दर्शाए. तो हमारा जो इमोशन फील करने के बाद का बिहेवियर होता है वह इमोशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है. इमोशन जो है वह मेडिएट करता है उस बिहेवियर को. इमोशन डिसाइड करता है कि हम उसके बाद से कौन सा बिहेवियर करने वाले. ठीक है, तो अब इससे क्या क्या वर्ड्स निकल गया इमोशन से. इमोशन इज अ रिएक्शन. हमने देखा कि इमोशन हमारी जो थी वह प्रक्रिया थी टू अ स्टिमुलस इवेंट दैट इज आइदर एक्चुअल और इमेजिन. तो हमारा इमोशन जो है वह प्रक्रिया होती है जो सामने घटना सच में होती है उसके लिए भी और कभी कभी काल्पनिक चीजों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है टू अ स्टिमुलस इवेंट दैट मे बी आइदर एक्चुअल और इमेजिन. इट ब्रिंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी. तो जब हम कहते हैं कि आगे आप देखेंगे कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि जब हम खेलते हैं, ये कहा जाता है ना कि खेल के दौरान जो है अपना जो फिजियोलॉजिकल लेवल है वह एक ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होते होना चाहिए, है ना, ऑप्टिमम लेवल पर होना चाहिए. आपने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा होगा, आप माइकल फेलिप्स को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, और भी जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको देख लीजिए कि वो इमोशनल नहीं होते हैं कि मतलब वो बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाए जीतने के बाद से, या वो बहुत मतलब सेंचुरी मारने के बाद से बहुत एक्साइटेड हो जाए, ऐसे इवेंट्स नहीं होते हैं. इसका क्या मतलब है कि उन प्लेयर्स को यह पता है, एक्सपीरियंस के क्रम में उन्होंने यह चीज सीखी है कि अगर आपको अपना
परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल रखना है तो आपको अपना इमोशनल रिएक्शन जो है वो इमोशनल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो इमोशनल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इमोशनल हम होते हैं तो इमोशन के साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। आपने डेफिनेशन में ही देखा कि इन्वॉल्व चेंजेस इन द विसरा एंड मस्कुलेचर, यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने प्लेयर को यह बात बतानी है कि जब भी आपको इमोशन फील करते हैं तो यह आपके फिजियोलॉजी में चेंजेस लाएगा और आपको उसको संभालने की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। देन एक्सप्रेस्ड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स, क्या होता है कि हम इमोशन जो है वह कोई जरूरी नहीं है कि किसी को मतलब किसी को डर लग रहा है तो उसके हाथ पैर ही कांपने लगे, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। हो सकता है कि उसको पसीना ज्यादा आने लगे, हो सकता है कि वह मतलब कुछ आप सामने से शो नहीं कर रहा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन उसने ऐसा बनाया हुआ है। तो यह है कि हर एक आदमी के जो है इमोशन फील करने का तरीका अलग अलग होता है और वो हमको जानने की जरूरत है ताकि हम अपने अपोनेंट की जो फेशियल रीडिंग्स हैं उनके थ्रू उसकी उसकी जो इंटरनल कंडीशन उसके बारे में जान सके। एंड मेडिएट्स आवर कोर्स ऑफ बिहेवियर, तो इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आगे का व्यवहार क्या हो, ठीक है। तो ये था इमोशन, जहां पर इमोशन को हम देख रहे हैं कि इमोशन जो मैंने पहले वर्ड में आपको बोला कि इमोशन फीलिंग है या भावनाएं, ये बहुत सिंपल शब्द है कि हम इमोशन फील कर रहे हैं, हम भावना फील कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब समझने की बात यह है कि इमोशन जब होता है ये गेम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इमोशन जो है वह एक्चुअल भी हो सकता है, इमेजिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इमोशन एक एक्चुअल या इमेजिन इवेंट के साथ भी हो सकता है, इमोशनल होने से फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, इमोशन जो है वह हमारे चेहरे से और हाव भाव से झलकता भी है और इमोशन पर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करने वाले। तो केवल इमोशन इतना नहीं है कि हम खुश हो गए या दुखी हो गए, बल्कि क्या होता है कि जब हम खुश या दुखी या एग्रेसिव होते हैं तो हमारी आगे हमारे एक तो बॉडी में चेंजेज आते हैं, अंदर हमारे चेंजेज आते हैं, वह चेंजेज जो है जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो वह हमारे चेहरे और हाव भाव के अंदर दिखाई देते हैं और हमारी जो उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी होती है वह उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वह इमोशन के अंदर होती है। उसके बाद क्या है कि अब आगे हमने लास्ट यूनिट में जो है वो पढ़ा था कि कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन हमने पढ़ा था कि कॉग्निशन हायर मेंटल प्रोसेसेस होती है, हमारी उच्च मानसिक क्षमताएं। अब ये क्या कहा जा रहा है कि कॉग्निशन और इमोशन जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या समझा जाता था, हिस्टोरिकली ये समझा जाता था कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में यह समझा गया कि इमोशन जो है वह कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। अब इसको एक साधारण शब्दों में जैसे हम एग्जांपल लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल अपने बारे में सोच लीजिए कि जब आप सैड होते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आपको कौन से गाने याद आते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आपको किस तरह के गाने याद आते हैं। यहाँ पर दुखी होना इमोशन है और याद आना कॉग्निशन है, मेमोरी है जो कि कॉग्निशन का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमें दुख वाले गाने याद आते हैं और जब हम खुश होते हैं तो हमें खुश वाले गाने याद आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमोशन है वह हमारे थिंकिंग कैपेबिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। पुराने समय में कहावत थी कि जब गुस्सा आए तो बातचीत नहीं करनी चाहिए, जब गुस्सा आए तो आपको बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्यों क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं, जब हमारे अंदर एग्रेशन का इमोशन होता है तो क्या होता है कि हम सामने वाले की केवल जो है मतलब उसके अंदर 100 बातें हों, 100 में से उसके अंदर 98 पॉजिटिव हैं और 2 निगेटिव हैं, तो हमें केवल वो निगेटिव बात याद आएगी। हमारा जो दिमाग है वह केवल जो हमारा इमोशन है उससे रिलेटेड चीजों की प्रोसेसिंग करता है, हमारा दिमाग बाकी चीजों को नहीं आने देता है, केवल निगेटिव चीजों को आने देता है, ठीक है। और इसी तरह से गेम के अंदर यह भी समझने की जरूरत है कि गेम के अंदर जब हम गेम में जाते हैं, अगर हम एंग्जियस हैं, अगर हम घबरा रहे हैं गेम के अंदर, तो क्या होगा कि हमें केवल घबराहट से रिलेटेड चीजें ही याद आएंगी, हमें अपनी, जबकि गेम के अंदर ये होना चाहिए कि हम अपना जो सारा एक्सपीरियंस, सारी स्किल और सारा कुछ जो हमारे कोच साहब ने सिखाया है वो सारी चीजें याद करके उसका एप्लीकेशन करें। तो क्या होगा कि हम एंग्जियस हैं तो हम केवल जो है उसमें से क्या होगा कि हम एंग्जियस हैं तो हम अपनी, हो सकता है कि पुरानी जो हमारी जो पुरानी जहाँ पर जिन मैचों को हम हारे हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, केवल वही याद आ रही हैं हमको, हम केवल बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं, डिफेंस के तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये होता है कि हमारा
कॉग्निशन और इमोशन, हमारे जो फीलिंग्स है और हमारे जो इमोशंस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एग्रेसिव हो जाएंगे, जब हम जब हमारे अंदर आक्रामकता का इमोशन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग केवल इस चीज पे काम करेगा कि हमको सामने वाले को मारना है। ठीक है, अब उसको एक घूसा मारने के लिए, एक पंच मारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पंच मारने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने सारे डिफेंसेस सारे को छोड़ देते हैं और पंच मारने के चक्कर में जाते हैं। क्या होता है कि एक पंच मारने के चक्कर में हम 10 पंच खा जाते हैं। ठीक है, एक चक्कर में हम बहुत सारा अटैक जो है वो हमारे ऊपर हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि ये चीज समझने की जरूरत है कि हम जो भी इमोशन फील करते हैं हमारा कॉग्निशन भी उसी दिशा में काम करता है। तो जब गेम में जाते हैं तो गेम में जब ये होना चाहिए कि हमारा सारा स्किल, सारा एक्सपीरियंस, सारा कोचेस की जो लर्निंग है और सारी जो आपकी ओवरऑल लाइफ की लर्निंग है, उन चीजों को याद करके और आप अपना दिमाग लगा करके कुछ क्रिएटिव करके मैच जीतने की कोशिश करें। वहां पे क्या होता है कि एंग्जियस होने से या एग्रेसिव होने से क्या होता है कि हम जो है केवल अपनी पिछली गलतियां, पिछली हार, वो सारी चीजें याद करते रहते हैं। तो इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है कि जब हम इमोशनल होंगे, जब हम कोई इमोशन फील करेंगे तो उसी इमोशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में आएंगी। तो ये चीजें जो है ये हमको अपने प्लेयर्स को बताने की जरूरत है कि इमोशंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, गेम के अंदर इमोशंस को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इस चीज की ट्रेनिंग की जा सकती है कि हम कैसे कम से कम इमोशंस को फील करें और कैसे इमोशन की सिचुएशन में रहते हुए भी अपना जो कॉग्निशन है, अपनी जो मेंटल प्रोसेसेज है, उसको अच्छे मतलब उसको जो है वह इफेक्टिव बनाए रखें। ठीक है, जस्ट मिनट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है प्राइमरी इमोशंस। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने प्राइमरी इमोशंस बताए हैं। तो देयर आर हाउ मेनी, 6 प्राइमरी इमोशंस, प्राथमिक इमोशन, जो कि मतलब सबके अंदर जो है वह एक जैसे दिखाई देते हैं। प्राथमिक इमोशन जो सबके अंदर एक जैसे दिखाई देते हैं, इसमें क्या है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, डिसगस्ट एंड फियर। तो दुखी, खुश, गुस्सा, आश्चर्य, घृणा और डर, ये जो 6 इमोशन है ये प्राइमरी इमोशन है। प्राइमरी इमोशन का मतलब क्या हुआ, मैंने ये कहा कि ये सबके अंदर एक जैसे दिखाई देते हैं। आपके बगल में एक पिक्चर लगी हुई है, इस स्लाइड पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर के अंदर क्या है कि इसमें कई चीजें, कि एक इसमें जितने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं वो सारे लोग अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ यूरोपियन है, कुछ अफ्रीकन है, कुछ दूसरी दूसरी कंट्रीज से हैं। ठीक है, हर एक का जो है स्किन कलर, मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक आदमी जो है वो अलग अलग एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एजेज अलग अलग है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरी बात, जेंडर भी दिखाई दे रहा है, आदमी भी हैं और लेडीज भी हैं, दोनों हैं, देयर आर मेन एंड लेडीज बोथ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने देखा कि ये सारे लोग अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, एक बात, ये सारे लोग अलग अलग एज ग्रुप के हैं, दूसरी बात, ये सारे लोग अलग अलग जेंडर के हैं, ये तीसरी बात। ठीक है, लेकिन क्या है कि इनके चेहरे पर जो भावनाएं हैं उनको आप बहुत आराम से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइमरी इमोशन जो है, प्राइमरी इमोशंस आदमी चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, चाहे किसी भी उम्र का हो और चाहे किसी भी जेंडर का हो, प्राइमरी इमोशन जो है वो उसके चेहरे पर बहुत आसानी से देखे और पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इमोशंस, ये सारे जो प्राइमरी इमोशंस हैं, इन प्राइमरी इमोशंस को आप बहुत आराम से देखा और पहचाना जा सकता है। ये चीज आप पर भी लागू होती है और आपके अपोनेंट पर भी लागू होती है। तो इनमें से अगर कोई भी इमोशन आपके चेहरे पर आएगा तो दुनिया के किसी भी हिस्से का आदमी जो है वह पहचान पाएगा, चाहे वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से के रहने वाले हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं या चाहे आप किसी भी जेंडर के हैं, आपके चेहरे पर ये इमोशन जो है वो बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं। उसके अलावा होते हैं सेकेंडरी इमोशन, जैसे हम कहते हैं मान लो एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी क्या है, तो एंग्जाइटी जो है, एंग्जाइटी हो सकता है कि सैडनेस और डिसगस्ट का मिक्सचर हो, दुख और घृणा का मिक्सचर हो, कि आप एक मैच के अंदर गए और आप एक एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं। यहाँ जो एंग्जाइटी है वो इसलिए है कि आपको यह पता चल रहा है कि आप मैच हारने वाले हो, यह सैडनेस है,
और डिसगस्ट इस बात की कि मैंने इतनी मेहनत क्यों नहीं की थी, मुझे अपने ऊपर एक मतलब डिसगस्ट हो रही है, मुझे अपने से अपने ऊपर डिसगस्ट महसूस हो रही है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों नहीं की कि मैं इस मैच को जीत पाता। तो सैडनेस और डिसगस्ट का मिक्सचर एंजाइटी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये हो सकता है कि एकाएक अगर मतलब ये भी हो सकता है कि यह फियर और सरप्राइज का मिक्सचर हो कि सामने वाला जो है एकाएक बहुत मतलब ऑफेंसिव हो रहा है, तो एक तो आप फियरफुल भी हो रहे हैं और दूसरा आप सरप्राइज हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, एंग्जाइटी जो है वह इनमें से एक या इनमें से दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर। तो प्राइमरी इमोशन से जो 6 प्राइमरी इमोशन है, ये प्राइमरी इमोशन हर आदमी के चेहरे पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से का हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, उसके चेहरे पर बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। और जो बाकी दूसरे इमोशंस होते हैं जो कि हम महसूस करते हैं, वह इनमें से दो या दो से ज्यादा का मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अब इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होती है, इमोशनल रिस्पॉन्स यानी कि जब हम इमोशन फील करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था, मैंने आगे पीछे जो आपको परिभाषा बताई थी, तो उसी परिभाषा को थोड़ा सा इलेबरेट किया गया है, उसी को इमोशनल रिस्पॉन्स कहते हैं कि जब हम इमोशनल होते हैं तो होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला वहां पे लिखा था, वहां पे था कि इट इज इन डिस्ट्रॉय मस्कुलेचर, तो ऐसे फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है, सच एज इंक्रीज हार्ट रेट। तो जब हमको इमोशन महसूस साथ एक फिजियोलॉजिकल रीजन होता है, हमारी सांस लेने हमारी हार्ट रेट, सांस लेने की स्पीड जो है वह चीजें बढ़ जाती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉग्निटिव रिएक्शन होता है, सच एज द चेंजेस इन अटेंशन परसेप्शन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो मैंने आपको क्या कहा, एग्जांपल दिया था कि जब हम जैसे सैडनेस महसूस करते हैं तो हमको सैड सैड गाने याद आते हैं। तो यानी कि हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो परसेप्शन है, वह केवल जो है सैडनेस रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर फोकस हो जाता है। हम मैच के अंदर एंग्जियस हो रहे हैं तो हमारा जो अटेंशन और परसेप्शन है वो केवल उन्हीं चीजों पर फोकस हो जा रहा है जहां हमको परेशानी हुई है। तो हम जो पुरानी पिछली हार है, पिछली गलतियां हैं, केवल उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, दूसरे पार्ट में कॉग्निटिव रिएक्शन होता है, और तीसरे पार्ट में बिहेवियरल रिएक्शन होता है, सच है एग्रेशन टुवर्ड्स एन अपोनेंट या डिसगस्ट एट एन ऑफिशियल डिसीजन। तो क्या होता है कि जब मान लो कि ये हो सकता है कि हम एग्रेशन फील कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्रेशन होने से फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ कि हमारी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन बढ़ गई, ठीक है। एग्रेशन फील करने से हार्ट रेट रेस्पिरेशन बढ़ गई, मसल टेंशन बढ़ गई, पसीना आना ज्यादा हो गया, ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। कॉग्निटिव चेंजेस हुए कि मेरा दिमाग अब केवल इसी चीज पर फोकस है कि पूरा मैच छोड़ के मैं जीतूंगा हारूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंट्री का क्या होगा, किसी चीज से मतलब नहीं है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है। तो मेरा पूरा अटेंशन, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेरा पूरा परसेप्शन इस चीज पर फोकस हो गया कि सामने वाले को कैसे हिट करूं कि ज्यादा ज्यादा चोट पहुंचे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा कॉग्निशन था, और बिहेवियरल पार्ट क्या हुआ कि फिर हमने अंदर से जो इंस्टिंक्ट आई उसको एक्ट आउट किया, हमने सामने वाले को जो है वह हिट करने की कोशिश की, भले इस प्रोसेस में जो है वह हमको 10 बार हिट कर दे, लेकिन हम उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो यह बिहेवियरल पार्ट हुआ। तो जब हम इमोशनल होते हैं, जब हम कोई इमोशन फील करते हैं, तो ये तीनों चीजें हमारे साथ होती हैं कि हम एक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, कॉग्निटिव रिएक्शन होती है, और एक बिहेवियरल रिएक्शन होती है। तो व्हाई आर दीस थ्री टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, इमोशंस इन्फ्लुएंस पीपल्स गोल एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन तीन तरह के रिस्पॉन्सेज से ये हमारे इमोशन जो होते हैं वो हमारे गोल और मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप जब मैच में गए थे, हर प्लेयर जब मैच में जाता है तो वह सोचता है कि मैं मैच जीतूंगा, लेकिन आपके अंदर एक बेसन का इमोशन आ गया तो आपका जो गोल था वो मैच जीतने से सिफ्ट होकर के सामने वाले को हिट करने पे आ गया। हम लोग एक दिन जिनेडिन जिडान के एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे कि अगर जिनेडिन जिडान जो है वह एक बेसी नहीं हुए होते तो वह वर्ल्ड कप फ्रांस का था, वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी बात होती। लेकिन क्या हुआ कि जिनेडिन जिडान जैसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने नामी प्लेयर जिसको दुनिया में अभी भी लोग नाम देते हैं कि जिडान जैसा प्लेयर जो है वह मुश्किल से होगा, लेकिन उस प्लेयर ने भी अपना सारा गोल जो है, सारा मोटिवेशन वो खो दिया और एग्रेशन को एक्ट आउट किया, जिसकी वजह से जो है हम जानते हैं कि वह वर्ल्ड कप जो है वह फ्रांस ने लूज कर दिया। तो इतनी बड़ी एग्जाम्पल इमोशन का जो है यह है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ठीक है,
तो अब इमोशंस को समझने की कोशिश की गई कि इमोशंस को लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इमोशन बेसिकली होता कैसे, जब हम इमोशनल फील करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब हम इमोशनल फील करते हैं तो जब हम इमोशन फील करते हैं तो क्या होता है, तो क्या ये साइंटिस्ट थे जेम्स एंड हैंस, इन्होंने इमोशन को समझाने की कोशिश की। तो इन्होंने कहा, क्या कहा कि इमोशनल फीलिंग्स आर कंसिक्वेंसेस एंटीसिपेटेड ऑफ पेरिफेरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या कहना था कि इमोशन में क्या होता है कि जब हम फील करते हैं ना, तो पहले अंदर जो है वह फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, उसके बाद इमोशन महसूस करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि पहले हम फिजियोलॉजिकल, जैसे इनका कहना यह था कि मान लो आप एंग्जियस होते हैं, जब आप एंग्जियस मतलब एंग्जायटी का इमोशन फील करने पे क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमारी हार्ट बीट वार्ट बीट तेज होती है, हमको पसीना आना, तो महसूस करते हैं कि हम एंग्जियस हो रहे हैं। आपके जो थ्योरिस्ट थे, जो जेम्स हैंस आपके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात महसूस करी, एक्टर एंड सिंगर ने कहा कि हमारे अंदर सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती है, हमारे हाथ पैर कांपते हैं, पसीना आता है, उसके बाद हमारा दिमाग इसको समझने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज हो रही है। ठीक है, और जब दिमाग समझने की कोशिश करता है तो दिमाग समझता है कि एंग्जायटी है या सैडनेस है या एग्रेशन है, और उसके हिसाब से जो है हम महसूस करते हैं। तो सैक्टर एंड सिंगर वाली थ्योरी जो है 1962 वाली, वह सबसे ज्यादा मानी जाती है कि हाँ, यह एक जो है यह अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि हम इमोशन कैसे महसूस कर रहे हैं, इस चीज का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन इसको समझा जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी के अंदर, अब इमोशन के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेस वर्ड बहुत बार आप लोगों के सामने आता है, स्ट्रेस क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेस को क्या कहते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फीलिंग्स अ पर्सन एक्सपीरियंसेस इन अ पोटेंशियली थ्रेटनिंग सिचुएशन। कॉमन शब्दों में, सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है, सामान्य शब्दों में। यहाँ पर मैं इसको आगे जो है साइंटिफिकली डिस्क्राइब करूंगा कि आगे साइंटिफिकली क्या होता है ये, लेकिन हम जो स्ट्रेस का मतलब समझते हैं वो क्या समझते हैं कि इट इज negative feelings a person experiences in a potentially threatening situation। तो हम क्या समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, कि यह negative feelings है या नकारात्मक भावनाएं हैं जो कि हम एक threatening situation में, एक ऐसी situation में जहां हमें डर लगता है, potentially threatening situation में, ऐसी situation में जहां पर कि हमको यह महसूस होता है कि कुछ गलत हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में जहां हम ये महसूस करते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, तो वैसी सिचुएशन में हमारे अंदर जो निगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको हम स्ट्रेस कहते हैं। हम नॉर्मली स्ट्रेस को क्या कहते हैं, जब कोई कहता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस का मतलब क्या आ रहा है, कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि निगेटिव फीलिंग्स आ रही है, हमें लग रहा है कि यार ये काम जो एग्जाम को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है, तो एग्जाम में आपको लगता है कि एग्जाम में पता नहीं हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, या गेम को लेकर स्ट्रेस हो रहा है तो हम ये समझा रहे थे गेम के अंदर पता नहीं कैसे हम परफॉर्म करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये एक पोटेंशियली थ्रेटनिंग सिचुएशन है। यहाँ पर हमें इस चीज का डर है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में हम जो नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं उनको हम स्ट्रेस कहते हैं नॉर्मल शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले हैंस सिले जिनको कि स्ट्रेस थियोरीज का मतलब आप फादर कह सकते हैं, फादर ऑफ स्ट्रेस थियोरी जो है, स्ट्रेस के जो सिद्धांत है, जो तनाव के सिद्धांत है, उनका फादर कह सकते हैं हैंस सिले। तो हैंस सिले ने डिस्क्राइब किया है, हैंस सिले ने क्या कहा, इट इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट। ठीक है, तो इनके हिसाब से स्ट्रेस क्या है कि हमारे शरीर के ऊपर जब किसी भी तरह की कोई डिमांड पड़ती है, यानी कि हमें जब किसी भी चीज को करने की जरूरत पड़ती है, या मतलब हमसे जब कोई भी अपेक्षा की जाती है, तो उस समय हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वह स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है,
हमसे जब कोई भी अपेक्षा की जाती है, हमसे जब कोई भी उम्मीद की जाती है, या हमारे ऊपर जब किसी भी तरह का हमारे ऊपर जब किसी भी तरह की डिमांड पड़ती है, ठीक है, हमारे ऊपर किसी भी तरह की जब डिमांड पड़ती है, तो इसको जो है इसमें हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ये डिमांड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एग्जाम एक नॉर्मल छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बात भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी जब हमसे कोई भी उम्मीद की जाती है, हमसे जब कोई भी अपेक्षा की जाती है, या हमारे ऊपर जब कोई भी हमारे शरीर के ऊपर जब किसी भी तरह की कोई डिमांड पड़ती है, हमारे शरीर के ऊपर जब हमसे किसी भी तरह की डिमांड होती है, तो उस समय हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगी, जब हम स्ट्रेस के अंदर आएंगे तो कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगी, ये रिस्पॉन्स जो है पूरी तरह से नॉन स्पेसिफिक है, कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमसे जब कोई अपेक्षा की जाती है, हमसे जब कोई उम्मीद की जाती है, हमारे शरीर के ऊपर जब किसी भी तरह की डिमांड पड़ती है, तो हमारे शरीर का जो रिएक्शन होता है वह स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। इफ वी आर सबसे नीचे, इफ वी आर प्लेस्ड इन अ सिचुएशन इन विच वी फील प्रेशराइज्ड, अनएबल टू मीट द टास्क, आर वरीड अबाउट द कंसीक्वेंसेस, वी मे एक्सपीरियंस स्ट्रेस, ठीक है। तो जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां पर कि हम दबाव महसूस करते हैं, जहां पर कि हम उस हमको यह लगता है कि हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, या जब हम परिणामों के बारे में चिंतित होते हैं, तो हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। इफ वी आर प्लेस्ड इन अ सिचुएशन इन विच वी फील प्रेशराइज्ड, तो जब हम किसी ऐसी सिचुएशन पड़ते हैं जहां हमें दबाव महसूस होता है, जहां हमें यह लगता है कि हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, या जहां हमें यह लगता है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस इसका परिणाम जो है वह कुछ भी हो सकता है, तो हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो आपने देखा कि नॉर्मल शब्दों में हम स्ट्रेस को केवल निगेटिव ही समझते हैं, नॉर्मल शब्दों में हम केवल स्ट्रेस को निगेटिव ही समझते हैं, नॉर्मल बोलचाल में जो कि सामान्य समझ है, जो कि सामान्य लोगों की समझ है, उसमें यह समझा जाता है कि स्ट्रेस केवल निगेटिव होता है। लेकिन सीले ने जो हैंस सीले ने उसको जो डिफाइन किया है, उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे ऊपर कोई उम्मीद या कोई डिमांड पड़ती है, आगे आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है, तो हमारे ऊपर जब कोई भी उम्मीद या कोई भी डिमांड पड़ती है, तो उस समय हमारी बॉडी की जो रिएक्शन होती है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है पूरी तरह से, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेस कैन बी इनिशिएटेड बाय स्ट्रेसर, स्ट्रेस कैन बी इनिशिएटेड बाय स्ट्रेसर। तो ये जो चीजें हैं जो कि स्ट्रेस को पैदा करती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेसर। स्ट्रेसर वह चीज है जो कि स्ट्रेस को पैदा करती है, ठीक है, ठीक है। और ये जो चीजें स्ट्रेस को पैदा करती हैं, उन्हें हम स्ट्रेसर कहते हैं। स्ट्रेसर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ऑडियंस, ऑडियंस जो आसपास दर्शक होते हैं, तो वह दर्शक स्ट्रेसर हो सकते हैं। मैच के दौरान जो दर्शक होते हैं वह स्ट्रेसर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेसर्स की वजह, उन दर्शकों की वजह से हम क्या महसूस करते हैं कि हम पता नहीं अपना गेम जो है जैसे नॉर्मली खेलते हैं, वैसे यहाँ बहुत शोर मच रहा है, बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग देख रहे हैं, तो पता नहीं मतलब ये क्या समझेंगे मेरे बारे में। तो यहाँ पर हमारा सेल्फ स्टीम जो है, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वह खतरे में पड़ती है, तो इसलिए यह एक स्ट्रेसर है। फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी एक फियर ऑफ इंजरी जो है वह एक स्ट्रेसर है। चोट लगने का डर, चोट लगने का डर एक स्ट्रेसर है, जिसकी वजह से हम मतलब ये महसूस करते हैं कि हमें चोट न लग जाए, तो ऐसा स्ट्रेसर यह सोच करके जो है वह हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन की परफॉर्मेंस जो है कि अपोजिशन की परफॉर्मेंस जो है वह भी एक स्ट्रेसर हो सकती है, क्योंकि हमें अपोजिशन की परफॉर्मेंस को देख करके लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या, अपोजिशन की परफॉर्मेंस को देख करके लगता है कि पता नहीं हम ये मैच जीतेंगे या हारेंगे, कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। तो यह एक स्ट्रेसर हो सकता है। मिस्टेक्स बीइंग मेड, अगर गलतियां हो रही हैं, तो गलतियां होना जो है वह एक स्ट्रेसर है कि गलतियां बहुत ज्यादा मैच के अंदर गलतियां हो रही हैं, तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो यह फ्रस्ट्रेशन जो है या इस स्ट्रेस की वजह से कि मिस्टेक्स हो रही है, यह एक स्ट्रेसर है जिसकी वजह से हम यह फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं। और पेरेंट्स से, क्राउड से या कोच से जो प्रेशर आता है, पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जो प्रेशर आता है, अपने फैमिली से जो प्रेशर आता है, क्राउड से जो प्रेशर आता है, या कोच की तरफ से जो प्रेशर आता है, वह भी एक स्ट्रेसर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारे स्ट्रेसर्स हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है कि
स्ट्रेस जो है, जैसा मैं कह रहा था कि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वह केवल निगेटिव होता है, लेकिन जो आगे जो स्ट्रेस की समझ पैदा हुई उसमें ये समझा गया कि स्ट्रेस एक्चुअली केवल निगेटिव ही नहीं होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं केवल नेगेटिव चीजों की वजह से स्ट्रेस होता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं उनसे भी स्ट्रेस होता है, ठीक है। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं उनसे भी स्ट्रेस होता है, कभी कभी जो निगेटिव इवेंट्स है उनसे स्ट्रेस होता है। जैसे यूस्ट्रेस जो है वह पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाते हैं। यूस्ट्रेस का मतलब पॉजिटिव स्ट्रेस है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस। यह स्ट्रेस जो कि पॉजिटिव घटनाओं की वजह से होता है, पॉजिटिव घटनाएं, जैसे कि एक नॉर्मल पॉजिटिव घटना हो सकती है कि हमको जॉब मिल जाना एक पॉजिटिव घटना है जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हो सकता है। शादी होना एक पॉजिटिव घटना है, जिंदगी में शादी होना या अपने करियर में आगे बढ़ना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव घटना है। लेकिन तो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस विच पीपुल एक्टिवली सीक टू टेस्ट देयर एबिलिटीज टू द लिमिट। अब क्या है कि यह पॉजिटिव स्ट्रेस जो है यह अच्छी बात होती है, क्योंकि यह हमारी लिमिट्स को टेस्ट करता है। जैसे हम कहते हैं कि जब आप करियर में आगे बढ़ते हैं, जैसे आप मतलब मान लीजिए कि आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, फिर आप एक नेशनल लेवल प्लेयर बनते हैं, आप एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बनते हैं, जब आप करियर में आगे बढ़ते हैं तो आपको एक स्ट्रेस महसूस होता है, यह करियर में आगे बढ़ने का स्ट्रेस है। लेकिन हम इस स्ट्रेस में क्या करते हैं कि हम अपनी जो सीमाएं हैं उनको टेस्ट करते हैं, हम अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाते जाते हैं कि कितनी ज्यादा किस लिमिट तक जा सकते हैं, कि क्या मैं एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ, क्या मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट बन सकता हूँ। तो ये जो स्ट्रेस है जो जीवन की पॉजिटिव घटनाओं की वजह से होता है उसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं। जैसे और एग्जांपल हो सकते हैं कि इसका जॉब मिलना या शादी होना या अपने करियर में, गेम करियर में या प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजें जो है ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेस के, जिसको हम यूस्ट्रेस कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी क्षमताओं को जो है वह या हमारी क्षमताओं को टेस्ट करने का एक तरीका है कि हम कहां तक परफॉर्म कर सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस वह स्ट्रेस जो कि निगेटिव इवेंट्स की वजह से होता है, जो कि नॉर्मल शब्द, जो कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कि डिस्ट्रेस, स्ट्रेस आप जिसको स्ट्रेस समझते हैं, नॉर्मल लोग जिसको स्ट्रेस समझते हैं वह एक्चुअली डिस्ट्रेस होता है, जो कि जीवन की निगेटिव घटनाओं की वजह से होता है। तो निगेटिव घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, कि किसी से लड़ाई होना या बीमार हो जाना या इंजरी होना, ये सारी चीजें जो है वह जीवन की निगेटिव घटनाएं हैं जो कि आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं। निगेटिव घटनाओं की जो वजह से जो स्ट्रेस होता है उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो निगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस विच कैन लीड टू एन इंक्रीज इन अराउजल एंड पोटेंशियल डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। जो है बार बार मैं जो बात कह रहा था कि अराउजल का लेवल जो एक नॉर्मल लेवल पर होना चाहिए। तो जैसे नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस ये भी हो सकता है कि आप एग्रेशन महसूस कर रहे हैं, एग्रेशन महसूस कर रहे, सामने वाले ने कोई एक्टिविटी की और आप एग्रेसिव महसूस करने लगे, ठीक है। तो यह नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस होगा, और ये नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस क्या करेगा कि यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा कि आपका अराउजल लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अराउजल लेवल जो हम बार बार बात करते हैं, मैं बार बार जो आपसे कह रहा हूँ कि हमको क्या है कि हम हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अराउजल लेवल को मॉडरेट बना करें। अगर यह बढ़ता है या घटता है तो क्या होगा, इसका हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो डिस्ट्रेस है यह अराउजल लेवल को चेंज करके हमारी परफॉर्मेंस को बैडली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो यूस्ट्रेस जो है बहुत अच्छी है, जो कि हमारी एबिलिटीज को, जो हमारी मतलब क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकती है, और डिस्ट्रेस जो है वह निगेटिव है, जो कि हमारी क्षमताओं को, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको प्रभावित करती है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक आप जिसको स्ट्रेस समझते थे वह स्ट्रेस ना होकर के डिस्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस के दो पार्ट हैं, स्ट्रेस के दो पार्ट हैं, एक अच्छा पार्ट है, एक बुरा पार्ट है। जो अच्छा पार्ट है उसको हम कहते हैं यूस्ट्रेस, जो बुरा पार्ट है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस जो है वह अच्छा है, हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रेस जो है वह हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमको आगे से इस चीज का ख्याल रखना है कि हम जिसको स्ट्रेस कहते हैं उसको हम डिस्ट्रेस समझें, ठीक है। तो जब डिस्ट्रेस होता है तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे लगातार हम लोग बात कर रहे थे कि डिस्ट्रेस क्या होता है,
ठीक है। तो हम लोग लगातार इस चीज के बारे में बात करते हैं। पहले भी जब हम लोग इस चीज के बारे में बात की तो मैंने कहा है कि जो जितने भी हमारे जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे एंजाइटी है या एंजाइटी है या अराउजल है या एग्रेशन है, तो ये जितने सारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉग्निटिव और दूसरा पार्ट होता है सोमेटिक। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, रिलेटेड टू आवर हायर मेंटल प्रोसेसेस, हमारी जो उच्च मानसिक क्षमताएं हैं, हमारी मानसिक क्षमताओं से, हमारे सोचने के तरीके से संबंधित है। ठीक है, तो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। और सोमेटिक का क्या मतलब होता है, सोमेटिक बना एक वर्ड से, जिस सोमा वर्ड से सोमेटिक बना हुआ है। सोमा, सोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है, तो रिलेटेड टू बॉडी, सोमा का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। तो सोमेटिक का क्या मतलब हो गया कि रिलेटेड टू बॉडी, तो हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्स होती है डिस्ट्रेस के लिए उसको हम कह सकते हैं सोमेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, यस गुड प्रगति। ठीक है, तो क्या हुआ कि कॉग्निटिव का मतलब कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेज हैं उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होगी उसको हम कहेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेज, और हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जो होगी, हमारी बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी उसको हम कहेंगे सोमेटिक। ठीक है, तो क्या क्या होता है कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के अंदर, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि हमारी मानसिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, जब डिस्ट्रेस होती है तो हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, दिमाग के अंदर हमारे क्या होता है, लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन हो जाता है, फीलिंग्स ऑफ एप्रीहेंशन। फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन का क्या मतलब है, एप्रीहेंशन का मतलब कि जैसे हम ये महसूस करते हैं ना किसी मान लो मैच के लिए जा रहे हो, महसूस कर रहे हो कि पता नहीं मैं अच्छे से खेल पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा, अगर अच्छे से नहीं खेल पाए तो क्या होगा, तो ये जो फीलिंग है एप्रीहेंशन, इसको एप्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एप्रीहेंशन कहते हैं। एप्रीहेंशन की फीलिंग आती है। इनएबिलिटी क्या कहते हैं कि हम सामना नहीं कर पाते, हम मेंटली जो है उस तनाव का सामना नहीं कर पाते। ठीक है, मेंटली उस तनाव का सामना नहीं कर पाते हैं। अटेंशन नैरोइंग, अटेंशन या सैडनेस के अंदर या इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है वो बाकी सारी चीजों से हट करके और जो हमारा इमोशन चल रहा है उसके रिलेटेड चीजों पर आ जाता है। जब एग्रेसिव होते हैं तो हमारा सारा ध्यान अपने स्किल और टेक्निक से हट करके सीधा सामने वाले को नुकसान करने पर आ जाता है, तो इसको कहते हैं अटेंशन नैरोइंग, यानी हमारा ध्यान जो है वह संकरा होकर के, तंग होकर के जो है केवल जो हम जिस चीज पे हमारे दिमाग में जो हमारी डिस्ट्रेस है उसके ऊपर आ जाता है। एंड फियर ऑफ फेलियर, असफलता का भय। तो कॉग्निटिव रिस्पॉन्स के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो हमारी मानसिक, हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है उनके अंदर ये सब कुछ होता है। अच्छा, सोमेटिक रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, स्वेटिंग, पसीना होने लगता है, इंक्रीज मसल टेंशन। इंक्रीज मसल टेंशन एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, कभी कभी मतलब इस चीज का पता नहीं कितना एविडेंस है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता होगा जिसमें प्लेयर्स जो है वो उनके अंदर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नहीं होती हो, है ना, स्ट्रेस नहीं होता होगा या ये सारी चीजें नहीं होती। अब क्या होता है कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस क्या होता है, मसल टेंशन बढ़ जाती है, आप जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या यह पॉसिबल है कि जो मैक्सिमम इंजरीज हैं, जो ज्यादातर जो हमें स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी के बारे में हम बात करते हैं, तो वह हमारी मतलब फिटनेस और दूसरी चीजों का नतीजा ना हो करके बल्कि केवल हमारी जो जो हमारी एंग्जाइटी है, केवल हमारी जो नर्वसनेस है या केवल हमारी जो स्ट्रेस है उसकी वजह से है। तो ये चीज मैं मेरे दिमाग में हमेशा आती रहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये मसल टेंशन है, जो हमारी, क्योंकि मसल टेंशन क्या हो गया कि आप स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं, हर गेम जो है वो पूरी तरह से डायनेमिक गेम है, वहां पर क्या है कि आपको एक्टिविटी, आपको वो चीज परफॉर्म करनी, अब आपकी बॉडी टाइट पड़ी, आपने झटके से कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की और क्या होता है मसल पुल हो जाते हैं, तो मसल पुल हो जाना या मतलब ये सारी चीजें जो हम हैमस्ट्रिंग है सारी प्रॉब्लम देखते हैं, तो क्या ये ऐसा है कि ये नतीजा है मतलब ये एंजाइटी का और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, कि ज्यादातर प्रॉब्लम जो है स्पोर्ट इंजरी रिलेटेड ज्यादातर प्रॉब्लम्स शुरू यहाँ से होती हैं। हो सकता है आगे चल के जैसे मान लो कि वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में बदल जाते हैं, कि हम कहते हैं कि टेनिस एल्बो हो गया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम होने का नतीजा होता है। तो ये एक सोचने का टॉपिक है कि क्या ऐसा है कि
प्रॉब्लम जो है स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड प्रॉब्लम साइकोलॉजी से शुरू होती है और बाद में मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। फीलिंग्स ऑफ नासिया, नासिया की फीलिंग जैसे हम एक महसूस करते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अजीब सा हो रहा है, उल्टी 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 होने जैसा महसूस हो रहा है, तो ये फीलिंग ऑफ नासिया। इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, हमारी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है जब हम स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो हमारे साथ ये सारी चीजें जो है वह होती है। ठीक है, तो हमने देखा स्ट्रेस। अच्छा पिक्चर्स भी है, ठीक है। तो मैकग्राफ एक साइंटिस्ट है, मैकग्राफ 1970, उन्होंने कहा कि जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चार स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। चार स्टेजेस से होकर के जब हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो चार स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। पहला क्या होता है, एनवायरमेंटल डिमांड। एनवायरमेंटल डिमांड यानी कि मैं जो सबसे पहले बात कह रहा था कि हमारे ऊपर जो मतलब हमारे ऊपर जो प्रेशर होता है, नॉर्मल शब्दों में कह लो प्रेशर होता है या उम्मीद होती है, जो अपेक्षा होती है चारों तरफ से, हो सकता है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, कोचेस की तरफ से, या जो बाकी सारी ये जो हमारे ऊपर डिमांड्स आती है, हमारे ऊपर जो प्रेशर या उम्मीद होती है, ठीक है। तो यह एनवायरमेंटल डिमांड पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप परसेप्शन आता है एनवायरमेंटल डिमांड। उसके बाद हमारा जो समझ होता है एनवायरमेंटल डिमांड का, कि हम इस चीज को समझते हैं कि मतलब पहले तो हम इतना उसको मतलब हो सकता है कि एनवायरमेंटल डिमांड भाई हमेशा से जब हम एथलीट बनते हैं तो हमेशा से मतलब कोई भी करियर चूज करते हैं तो हमेशा से हमारे माँ बाप की, हमारी फैमिली की हमसे उम्मीद होती है कि हम बहुत अच्छा करें, ठीक है, वो चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया, आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जाके हम सचमुच का वो प्रेशर अब महसूस करते हैं कि यार इतना मतलब मेरी फैमिली की उम्मीद है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूंगा, मेरे पूरे कंट्री की उम्मीद है कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूंगा, मैं जहां जा रहा हूँ वहीं लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस बार ओलंपिक में मेडल जरूर जीतना है, पूरी तरह से मेहनत तो जो मिल रहा है वही अब आप कह रहे हैं। तो वहां पर जो है वो प्रेशर आ जाता है, वहां परसेप्शन करते हैं प्रॉपरली। शुरू में जब तक आप उस लेवल पर नहीं थे तब तक आप परसेप्शन नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अच्छे लेवल पहुंच जाते हैं तो आप उस चीज को महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होती है कि फिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स होती है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल हमारी जो स्ट्रेस, अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है यह तीसरा स्टेप, यह डिपेंड करता है जैसे कहा गया कि यू स्ट्रेस, कि अगर हमने उतनी मेहनत की है, अगर हमने उतनी मेहनत की है, अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं कि मुझे अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना है और देखना है कि पता मैं कहां तक जा सकता हूं, तो अच्छी बात है, इस प्रेशर को मुझे अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो वहां पर क्या होगा कि यह प्रेशर जो है वह यू स्ट्रेस बन जाएगा, पॉजिटिव स्ट्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर जो है हम इसको निगेटिवली परसीव करके, अरे यार इतना प्रेशर है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा और कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा कि फिर डिस्ट्रेस की रिस्पॉन्स होगी, वहां पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो रिएक्शन है वो चीज आएगी जो निगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो हमारा परसेप्शन इस चीज का कि ये चीज मतलब हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम मतलब हम कर पाएंगे करके हम जब मेहनत करते हैं तो वो हमारी वही चीज यूजलेस बन सकती है, और अगर हम ये समझते हैं कि वो चीज पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो वही चीज डिस्ट्रेस बन जाती है। और उसके बाद उसी से एक्चुअल बिहेवियर हमारा निकल के आता है कि या तो अगर हम उसको यूजलेस समझते हैं तो हम अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं उस चीज को करने के लिए, और अगर हम उसको डिस्ट्रेस समझते हैं तो क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम एफर्ट उसके अंदर नहीं आता है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वह चोक्ड दिखाई देती है। ठीक है, तो यह मैकग्राथ ने जो है चार स्टेजेस में समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी क्या होती है। व्हेन एन एथलीट्स परफॉर्मेंस सफर्स इन एन इंपॉर्टेंट इवेंट, इट इज ऑफन बिकॉज ऑफ टू मच वरी अबाउट द आउटकम, being solely concerned with winning causes an increase in the anxiety, ठीक है। तो जब कोई एथलीट जो है वह किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बाद, जब कोई एथलीट जो है एथलीट की परफॉर्मेंस किसी बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट में एथलीट की परफॉर्मेंस जो है वह खराब होती है तो वह क्यों होता है, क्योंकि एथलीट जो है वह उस मैच के रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, मैच के रिजल्ट के बारे में एथलीट जो है वह बहुत ज्यादा सोचता है, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। Being solely concerned with winning causes an increase in anxiety. तो अगर आप केवल जो है आपका ध्यान जो है वो मैच जीतने पर है तो उससे क्या होगा
कि आपकी एंजाइटी जो है, एंजाइटी का लेवल जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू इफ अगर एथलीट जो है वह जो मैच का आउटकम है, मैच का जो रिजल्ट है उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान है, अगर अपने जीतने को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से उसकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सफर करती है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज इसके वजह क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेशन, आपके आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो कोचेज हैं उनकी एक्सपेक्टेशन, आपके ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन, ऑडियंस का इवेल्युएशन, कि हमारे जो चार तरफ ऑडियंस है वो ऑडियंस इवेल्युएट करने की कोशिश कर रही है, हमारे टीममेट्स हमको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज जो है ये इसकी वजह है कि एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें और मूल्यांकन, कि हमारे टीममेट या हमारे जो दर्शक है वो सारे इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो ये चीज इसके कॉजेज है। चलो इसको फिर आज यही खत्म करते हैं, है ना, इसको आज यही खत्म करते हैं हम लोग, और आप लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तब आप लोग यू कैन गो टू योर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अपनी अगली क्लास को आप लोग अटेंड करिए, मैं मीटिंग